नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सरकारी अध्यापक के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, केवीएस के एग्ज़ाम आने वाला है और केवीएस के एग्ज़ाम में आपके 5 नंबर के 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये भी बता दूंगा कि किस किस टॉपिक से कितने कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं, क्या आपको पढ़ना है, और कुछ थ्योरी, कुछ MCQ, कुछ शॉर्टकट कीज जो इंपॉर्टेंट हैं, कुछ फैक्ट मैं आपको आज की इस वीडियो में कंप्लीट करा दूंगा। तो अभी तक आपने कंप्यूटर की तैयारी नहीं की है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। कंप्यूटर में बहुत सारी चीज़ें हैं पूछने को, कंप्यूटर में बहुत बड़ा सिलेबस है, लेकिन सबसे पहले आपको बेसिक्स पता होने चाहिए कि हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का पिता किसको बोला जाता है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का फादर बोला जाता है। सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या था, तो इनियाक नाम था। क्या नाम था? इनियाक। मैं आपको लिख के बता देता हूँ, ENIAC, इनियाक, ये सबसे पहला कंप्यूटर था। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि कंप्यूटर में क्रांति कब आई, रिवॉल्यूशन कब आया। सबसे पहले कंप्यूटर में इंडिया में कब लॉन्च हुआ, ये सारे फैक्ट आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा कंप्यूटर के छोटे छोटे बेसिक्स पता होना चाहिए। जैसे कंप्यूटर में MS ऑफिस से प्रश्न पूछे जाते हैं कि MS ऑफिस में MS पावर पॉइंट, MS वर्ड, MS एक्सेल, तो इन तीनों से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। एक प्रश्न आपका ज़रूर इंटरनेट से पूछा जाएगा, इंटरनेट में कुछ भी पूछा जा सकता है, किसी भी वेबसाइट पर सर्च इंजन वगैरह कुछ भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आपसे पूछे जाते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में पूछा जा सकता है। कंप्यूटर में शॉर्टकट कीज़ यूज़ होती हैं MS ऑफिस में, वो आपसे पूछी जाती हैं। तो एक एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, इसलिए सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक्स मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, बेसिक्स में जैसे जो हमारा कंप्यूटर होता है, इसमें जो फाइल्स होती हैं वो KB में होती हैं, उनका साइज़ KB में, यानी कि किलोबाइट, MB मेगाबाइट, GB गीगाबाइट, TB टेराबाइट। तो ये आपको पता होना चाहिए कि एक KB में कितने बाइट होते हैं। तो चलिए ये भी मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। देखिए, यहीं स्क्रीन पर मैं आपको बता देता हूँ, एक सेकंड दीजिए। और जितने भी स्टूडेंट नए हैं मैं आपको बता देता हूँ, सरकारी अध्यापक चैनल आपके लिए ही बनाया गया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम हो, आपकी तैयारी हम यहाँ पर करवाते हैं। चलिए एक एक करके मैं आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ। देखिए, इसी स्क्रीन पर बता देता हूँ। देखिए, जो कंप्यूटर में हमारी फाइल्स होती हैं वो बाइट में होती हैं। सबसे छोटी फाइल को हम बाइट में बोलते हैं, और एक बाइट जो 1 byte इक्वल्स टू होता है 10241024 KB, यानी कि किलोबाइट। सबसे छोटी यूनिट होती है बाइट, उसके बाद होती है किलोबाइट, और 1024 KB में होते हैं 1 MB, यानी कि मेगाबाइट। 1 MB इक्वल्स टू 1024 किलोबाइट मिलकर एक MB बनाते हैं, और 1024 MB मिलकर 1 GB बनाते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि ये पूरी पिक्चर 1 GB की है, 2 GB की है, तो इनका फाइल का साइज़ होता है। तो 1024 MB मेगाबाइट मिलकर 1 GB बनती है, और 1024 GB मिलकर बनाते हैं 1 TB, यानी कि टेराबाइट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप याद कर लीजिए। बी सबसे छोटी यूनिट होती है बी, यानी कि बाइट। फिर उसके बाद आती है आपकी KB, यानी कि किलोबाइट। उसके बाद आती है आपकी MB, यानी कि मेगाबाइट। उसके बाद आती है आपकी GB, यानी कि गीगाबाइट। उसके बाद आती है TB, यानी कि टेराबाइट। अब एक बाइट मिलकर 1024 KB, 1024 मिलकर 1 MB, 1024 MB मिलकर 1 GB, 1024 GB मिलकर 1 TB बनाते हैं। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बहुत ही आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कुछ शॉर्टकट कीज़ यूज़ होती हैं, तो मैं आपको शॉर्टकट कीज़ बता देता हूँ जो आप MS ऑफिस में यूज़ करते हैं। तो यहाँ से भी प्रश्न 100% आपका बन सकता है कि जैसे आप कोई भी फाइल को ओपन हुए हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर आप रन कर रहे हैं, तो उसमें Ctrl+A दबाएंगे तो सारा जो टेक्स्ट है वो सेलेक्ट हो जाएगा। क्या है? सारा टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाएगा। Ctrl+B दबाएंगे तो वो बोल्ड हो जाएगा, यानी कि मोटा हो जाएगा, आपने देखा होगा। Ctrl+C दबाएंगे तो उसको कॉपी कर सकते हो, आप किसी दूसरी जगह पर पेस्ट कर सकते हो। Ctrl+V से आप पेस्ट कर सकते हो। जैसे आपको एक कंटेंट को कॉपी और पेस्ट करना है तो Ctrl+C से कॉपी करोगे, Ctrl+V से
या वी देख रहे हैं, कंट्रोल वी से आप उसको पेस्ट कर दोगे, लेकिन आपको कॉपी नहीं करना है, आपको एज इट इज़ ट्रांसफ़र करना है, पूरा उठा के सीधा पेस्ट करना है। तो कंट्रोल एक्स दबाओगे आप, देखिए अगला जो कमांड है हमारी वो है कंट्रोल एक्स दबाओगे। तो ये सारी शॉर्टकट कीज़ हैं, कोई आपको विंडो नया डॉक्यूमेंट ओपन करना है तो कंट्रोल एन दबाओगे, कोई भी ऑप्शन ओपन करना है तो कंट्रोल ओ दबाओगे, ओपन द प्रिंट विंडो पी से कंट्रोल एफ दबाओगे तो उस पूरे फाइल में आपको कुछ को सर्च करना है, कोई भी वेबसाइट है, कोई भी कुछ भी है, तो आप कंट्रोल एफ दबा दोगे तो एक बॉक्स खुल जाएगा, आप उसमें कुछ भी वर्ड डालोगे तो वो वर्ड पूरी फाइल में जहाँ जहाँ भी होगा वो सब आपको हाईलाइट करके दिखा देगा। और जो कंटेंट होता है हमारा, जो टेक्स्ट होता है, उसको हम बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, उसको अंडरलाइन कर सकते हैं। तो इसके लिए अलग अलग शॉर्टकट कीज़ हैं, जैसे कंट्रोल आई करेंगे तो वो इटैलिक हो जाएगा, कंट्रोल बी करेंगे तो वो बोल्ड हो जाएगा, कंट्रोल यू करेंगे तो उसके नीचे अंडरलाइन आ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें कंट्रोल के करोगे तो कोई भी आप लिंक ऐड कर सकते हो किसी भी फाइल में, कंट्रोल यू करोगे तो मैंने आपको बता दिया अंडरलाइन हो जाएगा, और कंट्रोल वी से आपका पेस्ट हो जाएगा, किसी टेक्स्ट को एक दूसरे से दूसरी जगह ले जाना है आपको किसी भी फाइल को या टेक्स्ट को, तो कंट्रोल वी कर देंगे तो वहां पर वो आ जाएगी। ठीक है, जो भी आप किसी भी फाइल में किसी भी सॉफ्टवेयर में वर्क कर रहे हैं, आपने कुछ गलत कर दिया, आपने आपको गलती से आपकी कोई की प्रेस हो गई, कोई भी आपने की दबा दी, तो अंडू कर देते हैं एक्शन को, जो भी आपने किया है वो एक एक्शन पीछे हो जाता है। तो कंट्रोल वाई बहुत इंपॉर्टेंट है, कंट्रोल वाई भी पूछा जा सकता है आपसे, सॉरी कंट्रोल अंडू के लिए आता है कंट्रोल जेड, और फिर दोबारा से आपको वो करना है, रीडू करना है, तो फिर उसके लिए कंट्रोल वाई है। तो याद रखिएगा, कोई भी आपको गलती होती है तो आपको कंट्रोल जेड दबाना है, एक स्टेप आप पीछे आ जाएंगे, फिर से एक स्टेप आगे जाना है तो कंट्रोल वाई दबाएंगे। कंट्रोल एच फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन, कोई भी चीज़ आप फाइंड करके उसकी जगह पर, जैसे पूरी मेरे पास फाइल है उसमें, जैसे आप जैसे THE द, ये जो वर्ड है THE द, ये 10 जगह है किसी भी फाइल में किसी भी पैराग्राफ में, और आपको पूरे पैराग्राफ में से THE द जो शब्द है उसको हटाना है, दूसरा शब्द ऐड करना है, तो कंट्रोल एच करते हैं। ठीक है, रिप्लेस कर देता है वर्ड को, तो ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये शॉर्टकट कीज़ हैं दोस्तों, शॉर्टकट कीज़ आपसे एग्ज़ाम में ज़रूर पूछी जाएंगी, याद रखना, पूछी जा सकती हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, और क्या क्या पूछा जा सकता है, देखिए इनपुट आउटपुट डिवाइसेस सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं कि कौन कौन से हमारे इनपुट डिवाइस हैं, कौन कौन से हमारे आउटपुट डिवाइस हैं। तो इनपुट डिवाइसेस सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कीबोर्ड हमारा इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड की प्रेस, कोई भी की हम प्रेस करते हैं तो उसका रिस्पॉन्स अंदर ज़्यादा है मॉनिटर में। ठीक है, तो जिनका रिस्पॉन्स हमें बाहर नहीं दिखाई देता, अंदर के अंदर काम करता है, उनको हम इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। जैसे माउस है, माउस को हम क्लिक करते हैं वो भी इनपुट डिवाइस है, जॉयस्टिक है, लाइट पेन है, माइक यानी कि माइक्रोफोन, स्कैनर, बारकोड रीडर, ये सारे क्या हैं, हमारे इनपुट डिवाइसेस हैं। आउटपुट डिवाइसेस की लिस्ट भी है, मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर, हेडफोन्स, ये हमारे आउटपुट डिवाइसेस जो हमें आउटपुट बाहर की ओर देते हैं, क्या करते हैं, बाहर की ओर आउटपुट करते हैं। तो ये सारे हमारे आउटपुट डिवाइसेस हैं। अब मैं आपके लिए कुछ 10-12 कुछ ऐसे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट MCQ कवर करने वाला हूं, जिनसे एग्जाम में पिछली परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना भी काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, चलिए मैं स्टार्ट करता हूं दोस्तों। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, इसका जवाब आपको देना है, हिंदी में प्रश्न है, जो भी हिंदी मीडियम के छात्र हैं, इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं, सब लोग इन प्रश्नों को समझने की कोशिश करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा विकल्प MS वर्ड 2007 में उपलब्ध नहीं है, स्प्लिट सेल्स, स्प्लिट टेबल, मर्ज सेल, मर्ज टेबल। अब देखिए, ये जो सेल और टेबल रो, ये सारी चीज़ें आती हैं, ये किस में आती हैं, ये MS Excel में आती हैं, उसमें कॉलम होते हैं, रोज होते हैं, तो आपने देखा होगा ये आप किसी टेबल को मर्ज नहीं कर पाओगे, बाकी सेल को आप स्प्लिट करते हो, किसी भी सेल के दो हिस्से कर सकते हो, जैसे मान लो कोई भी सेल है तो इसके आप दो हिस्से कर सकते हो, ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, टेबल को आप स्प्लिट कर सकते हो, मर्ज कर सकते हो किसी भी सेल को, जैसे मान लीजिए ये दो सेल हैं, इनको आपको मर्ज करना है तो आप इनको मर्ज कर दोगे, एक सेल बन जाएगा, लेकिन टेबल को आप मर्ज नहीं कर पाओगे, तो ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता है। MS Excel में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, MS Excel में बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, MS Excel में सीट्स बनाई जाती हैं, तो MS Excel भी थोड़ा सा पढ़ के जाइएगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस करके जाइएगा। ALU का पूरा नाम क्या है, तो ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, काफ़ी पूछा जाता है ALU, इसको बोलते हैं दोस्तों, आंसर मैं आपको बता देता हूँ, सीधा सीधा आंसर मैं आपको बता दूँ, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट हमारे सिस्टम में होता ही है। ये करता क्या है मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, हमारे
सिस्टम में जितने भी इक्वेशन से रिलेटेड मैथमेटिकल जो पार्ट होता है वो ALU करता है, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, ये हमारी चिप में इनबिल्ट होता है। जो भी मैथमेटिकल इक्वेशन से रिलेटेड जितने भी इक्वेशन होती हैं वो सारे कौन करता है? ALU, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। सीधा सीधा आपसे फुल फॉर्म इसकी पूछी जाती है। निम्न में से कौन इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों के रूप में काम करता है? अब देखिए, मैंने आपको यहाँ पर इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस बता दिए, लेकिन ऐसी कौन सी चीज़ें जो इनपुट और आउटपुट दोनों चीज़ें काम करती है? अब आपको इनपुट और आउटपुट सारी चीज़ें क्लियर होंगी तो आप आराम से इसका आंसर दे दोगे। पहला ऑप्शन है कीबोर्ड, मॉडम, प्रिंटर या फिर जॉयस्टिक। कौन सी ऐसी चीज़ें जो इनपुट और आउटपुट दोनों काम करती है? आंसर दीजिए सब लोग कमेंट सेक्शन में। चलिए, इसका जो सही जवाब है मैं आपको बता देता हूँ, मॉडम। मॉडम होता है वो इनपुट भी करता है और आउटपुट भी करता है। मॉडम जब हम किसी पीसी में बिल्ड करते हैं तो हम वहाँ से डेटा ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं और पीसी से डेटा निकाल भी सकते हैं। इसके अलावा कीबोर्ड मैंने आपको बताया था इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है यानी कि उसका प्रिंट हमें बाहर मिलता है तो आउटपुट डिवाइस है, जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है। तो इनपुट आउटपुट डिवाइस से क्वेश्चन पूछा सकता है, इसको क्लियर करके जाना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एमएस वर्ड से क्वेश्चन आ गया। एमएस वर्ड 2007 में टेक्स्ट को डैश में बदलने के लिए कंट्रोल प्लस आई क्रिया का उपयोग किया था। तो कंट्रोल प्लस आई हम किस लिए करते हैं एमएस ऑफिस में, बताइए दोस्तों। जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट की पूछा जा रहा है, तो टेक्स्ट को जर्मन में करने के लिए, टेक्स्ट को बोल्ड में करने के लिए, टेक्स्ट को रोमन में या फिर टेक्स्ट को इटैलिक में। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 है, 4 इसका राइट आंसर है, इटैलिक में हो जाता है। जब हम किसी टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं फिर उसके बाद उसको कंट्रोल प्लस आई करते हैं तो इटैलिक हो जाता है। आपने देखा होगा टेक्स्ट सीधा होता है लेकिन कंट्रोल इटैलिक करके थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है, थोड़ा सा तिरछा सा झुक जाता है, उसको हम कंट्रोल आई कहते हैं। बाकी कंट्रोल बी से बोल्ड होता है, कंट्रोल यू से अंडरलाइन होता है, ये सारी चीज़ें आप याद रखना, ठीक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन सा सर्च इंजन का एक उदाहरण है? तो ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, केवल KVS में है, CTET में, कोई भी एग्जाम हो, इंडिया में कोई भी एग्जाम हो, तो ये सबसे पॉपुलर प्रश्न है, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि सर्च इंजन कौन कौन से हैं। सर्च इंजन यानी कि जो हमें सर्च करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हम कोई भी अपना इंफॉर्मेशन सर्च इंजन पर सर्च कर सकते हैं। तो देखिए, मोज़िला फायरफॉक्स, गूगल, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा मिनी, सर्च इंजन कौन सा है? देखिए, मैं आपको इसका आंसर सही से बता दूं, इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, गूगल। गूगल एक सर्च इंजन है, गूगल क्या है? एक सर्च इंजन है। इसके अलावा मोज़िला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा मिनी, ये तो सॉफ्टवेयर है जिनकी सहायता से हम गूगल ओपन करते हैं, जिनकी सहायता से हम गूगल ओपन करते हैं। तो गूगल एक सर्च इंजन है, गूगल पर ही हम अपनी क्वेरी को सर्च करते हैं। तो ये सारे कॉन्सेप्ट बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे, आपने कंप्यूटर नहीं भी पढ़ा होगा एग्जाम में, तो भी आपके 3 से 4 क्वेश्चन सही जाएंगे, ठीक है। निम्न में से कौन से विकल्प का उपयोग एक दस्तावेज यानी कि एमएस ऑफिस में डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान में स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है? कौन सा फॉर्मूला, कौन सा की हम यूज़ करते हैं एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने के लिए? पेस्ट, कट और पेस्ट, कट या कॉपी। देखिए, एलिमिनेट करता हूँ मैं इसमें, एलिमिनेट करता हूँ, कॉपी से केवल कॉपी होता है, दूसरी जगह नहीं जाता। कट से केवल कट होता है यानी कि जो टेक्स्ट कट होता है, कंट्रोल एक्स, तो कंट्रोल एक्स से कट हो जाता है। इसका मतलब यह है कि एक टेक्स्ट को हम पिक कर सकते हैं दूसरी जगह ले जाने के लिए, लेकिन वो दूसरी जगह जाता नहीं है, दूसरी जगह ले जाने की बात हो रही है, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी हटेगा, कट और पेस्ट यानी कि उसको कट करेंगे, वहाँ से उठाएंगे और दूसरी जगह पेस्ट कर देंगे, तो यही सबसे सही आंसर है। एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है तो दोनों चीज़ें यूज होंगी ना, एक जगह से उसको उठाना भी है, दूसरी जगह उसको रखना भी है, तो कट और पेस्ट दोनों चीज़ें करनी पड़ेंगी इसमें हमें। नियमित संचालन के लिए लैपटॉप पर सामान्य तौर पर उपयोग की जाने वाले इनपुट डिवाइसेस हैं, इनपुट डिवाइसेस लैपटॉप पर कौन से सामान्य तौर पर यूज़ होते हैं? इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से सुनिएगा, बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। लैपटॉप पर सामान्य रूप से जनरली लोग कौन कौन से इनपुट डिवाइस यूज़ करते हैं? कीबोर्ड और माउस,
कीबोर्ड और सीडी रोम, माउस और पेन ड्राइव, कीबोर्ड और स्क्रीन। सबसे पहले तो देखिए इसका जो सही जवाब है मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। कीबोर्ड और माउस दोनों सबसे पहले तो इनपुट डिवाइस हैं और जनरली हम लोग यूज़ करते हैं। देखिए स्क्रीन तो आउटपुट डिवाइस है तो ये तो कट जाएगा। पेन ड्राइव हम जनरली यूज़ नहीं करते और पेन ड्राइव इनपुट आउटपुट दोनों हैं तो जनरली हम यूज़ नहीं करते पेन ड्राइव, क्योंकि पेन ड्राइव तो हम लैपटॉप में से कोई हमें ट्रांसफ़र करना हो डेटा एक लैपटॉप से दूसरे लैपटॉप में या फिर एक लैपटॉप से दूसरे कंप्यूटर में उसके लिए यूज़ करते हैं, लेकिन जनरली जो चीज़ें यूज़ करते हैं वो कीबोर्ड और माउस है। ठीक है, निम्नलिखित के बीच क्या सामान्य है? देखिए फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और पिंट्रेस्ट, क्या है ये? फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, पिंट्रेस्ट क्या है ये? सभी डार्क वेब से सुलभ हैं, सभी सोशल नेटवर्किंग साइट हैं, सभी समाचार वेबसाइट हैं, सभी प्रतिबंधित वेबसाइट हैं। देखिए इसका जो आंसर है वो सबसे पहले आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इसका टू आंसर है, ऑप्शन नंबर टू। सोशल नेटवर्किंग साइट हैं फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर सबका अकाउंट होता है, सब लोग इसको यूज़ करते हैं, सोशल अपने जो थॉट्स व्यूज़ हैं वो शेयर करते हैं, तो सोशल नेटवर्किंग साइट हैं, आपको पता होगा। एमएस वर्ड में थेजोरस टूल का उपयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है? थेजोरस एक टूल होता है एमएस वर्ड में, उसका यूज़ हम क्यों करते हैं? वर्तनी सुझाव के लिए, वाक्य संशोधन, समानार्थी एवं विपरीती शब्द, व्याकरण विकल्प। चलिए आंसर मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर टू। एंटोनिम सिनोनिम्स, यानी कि एक शब्द का हमें कोई विकल्प मिल जाए, ऑल्टरनेटिव मिल जाए, एंटोनिम सिनोनिम्स के लिए हम थेजोरस टूल का यूज़ करते हैं। पहले भी कई सारे एग्जाम्स में ये पूछा गया है। कंप्यूटर से मिलकर बनता है, कंप्यूटर से मिलकर क्या बनता है? कंप्यूटर से मिलकर क्या बनता है? एक केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई, एक स्मृति, इनपुट आउटपुट इकाइयां या फिर उपरोक्त सभी। इसमें पूछा गया है कि एक कंप्यूटर इनसे मिलकर बनता है, इन सभी से मिलकर बनता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। एक जो कंप्यूटर है वो जब बनता है तो वो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, उनसे मिलकर एक कंप्यूटर बनता है। ठीक है, याद रखना ऑप्शन नंबर थ्री इसका सही जवाब है। और लास्ट क्वेश्चन आपके लिए मैं, देखिए लास्ट क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखा है, इसका जवाब आप सब लोग देना कमेंट सेक्शन में। ठीक है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस, कंप्यूटर लिटरेसी डे इज सेलिब्रेटेड एज ऑन कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को, 14 दिसंबर को, 22 दिसंबर को या फिर 2 दिसंबर को? इसका सब लोग जवाब देना नीचे कमेंट सेक्शन में। ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखा है कि कंप्यूटर लिटरेसी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये लास्ट क्वेश्चन था। कुछ जो भी बेसिक्स चीज़ें थी मैंने इस वीडियो में कवर कर दी हैं। इसके अलावा आप लोग कौन सी ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जो कंप्यूटर में आप पूछना चाहते हो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और कौन सा ऐसा टॉपिक है जो आपको लग रहा है इंपॉर्टेंट है वो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा। इसके अलावा बेसिक्स आप लोग याद कर लेना, जो मैंने यूनिट्स बनाई थी कि बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, ये सारी यूनिट्स को आप लोग याद कर लेना। कुछ बेसिक्स याद कर लेना कि कंप्यूटर के फादर चार्ल्स बेबेज हैं, सबसे पहले कंप्यूटर का नाम था ENIAC, कंप्यूटर रिवोल्यूशन कब आया था? 1960 में कंप्यूटर की क्रांति आई थी, तो ये सारी चीज़ें आप याद कर लेना। ठीक है, शॉर्टकट की याद कर लेना, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस याद कर लेना, कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिले कहीं से तो वो भी आप पढ़ लेना। तो ये छोटी सी वीडियो थी, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, बेसिक्स की वीडियो थी, पसंद आई होगी आपको। इस वीडियो को सब लोगों के साथ शेयर जरूर कर लेना दोस्तों। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।